नमस्कार, विंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। स्कूल बसों की जांच एवं बस चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मार्टन स्कूल में लगा शिविर। कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ एवं यातायात कर रहा बसों का निरीक्षण रीवा के मार्तंड स्कूल प्रारंग में। जिले भर के स्कूल बसों की गुणवत्ता जांच एवं चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन पर आरटीओ एवं यातायात द्वारा बसों की जा रही है। इस दौरान बसों की परमिट, फिटनेस एवं उसकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। साथ ही बस चालकों के नेत्र परीक्षण सहित अन्य स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर लगाया गया है। आपको बता दें कि माँ काली स्कूल प्रारंग में कम से कम 100 से अधिक स्कूल बसों को एकत्रित किया गया, जिसमें पूर्व सूचना के आधार पर उन्हें आज रविवार को बुलाया गया था। आपको बता दें कि मार्तंड स्कूल प्रांगण में जिले भर से तकरीबन 100 से अधिक बसों को बुलाया गया और बुलाने के बाद जिसमें सभी बसों के इमरजेंसी गेट पर बकायदे सीट लगी हुई अपने आप में एक अपवाद है। को बता दें कि अभी हाल ही में हुई कई बस घटनाओं में अधिकांश लोग मौत के गाल समा गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण इमरजेंसी गेट पर सीट का लगा होना बताया गया। दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक तो आरटीओ विभाग एवं यातायात के द्वारा बसों पर कार्रवाई की गई और जमकर चालान काटे गए, लेकिन कुछ समय बीतते ही नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और कार्यवाही मात्र दिखावा निकली। शायद यही कारण है कि आज माँ काली स्कूल प्रांगण में बुलाई गई सभी बसों पर सीट अभी भी जुड़ी हुई है। इस संबंध में जब आरटीओ रीवा से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह शिविर भी मात्र खाना पूर्ति ही साबित होगी। सर, आज यहाँ स्कूल बसों को रोका गया, कुछ शिविर लगाए गए हैं, क्या हुआ ये, क्या कार्यक्रम? सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में निर्णय लिए गए थे कि जो रीवा ज़िले में स्कूल बसें संचालित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। वो बस पीले रंग की हो, बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो, बस में GPS एवं कैमरा लगे होने चाहिए, अर्थात बस जो है सुरक्षा मानकों का पालन करे। इसका परीक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज रीवा जिले की समस्त बसों को मार्तंड स्कूल के परिसर में बुलवाया गया है। सर, ये जितनी भी बसें यहाँ पकड़ी गई, क्या है कि अभी सीधी घटना हो या पन्ना घटना हो, हर दुर्घटना के बाद एक पुनरावृत्ति होती है और कार्रवाई होती है। अभी हर बस में इमरजेंसी गेट पे सीट लगी हुई है, यहाँ भी और बाहर भी जो बस चल रही है। आप लोगों द्वारा हटवाया गया था, फिर वही ढर्रे पे चल रही है बसें, तो इन पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, इन पर कार्रवाई निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए इन बसेस को विशेष तौर पर जो है स्कूल बसेस को आज इकट्ठा किया गया है कि इनके हम प्रत्येक जो है मापदंड को चेक कर लें और आज ही इनको सुधार कर भिजवाएंगे। ये स्कूल बसें तभी यहाँ से जाएंगी जब उनमें कमी है उसको दूर कर लें। साथ ही आज जो है ड्राइवर्स का काउंसलिंग भी आयोजित की गई है, ड्राइवर को बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जा रहा है। डॉक्टर की टीम उनका नेत्र परीक्षण कर रही है। सर, जो अभी भी बसें चल रही हैं, इन पर जो एक अचानक कार्रवाई की जाती है, जैसा कि दुर्घटना के बाद की जाती है, क्या निरंतर नहीं उसमें रोका जा सकता है? उनको नियम समय समय पर बताया जाए, वो हटाते रहे, क्योंकि आप लोग कार्रवाई करते हैं उसके बाद वो निकाल के फिर वही चालू कर देते हैं। वही बिल्कुल एक निरंतरता का कार्य है आप, और इस पर निरंतरता पर कार्रवाई जारी है। इसी के परिणाम स्वरूप आज जो है रविवार के दिन, जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती है, इसीलिए समस्त बसों को इकट्ठा किया गया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।